कॉन्स्टिट्यूशन एज अ स्पेशन उसकी स्कोप क्या है उसमें करियर प्रोग्रेशन क्या है क्या मजा आएगा कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशलाइजेशन करने में या नहीं आएगा प्रिपेयरिंग फॉर एनी एनी एग्जामिनेशन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ये

वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ विच स्पेशलाइजेशन टू चूज आज के हमारे स्पेशल धारावाहिक में हम डिस्कस <laughs> करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन हाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन एज अ स्पेशलाइजेशन उसकी स्कोप क्या है उसमें करियर प्रोग्रेशन क्या है क्या मजा आएगा कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशलाइजेशन करने में या नहीं आएगा इन सभी पर डिस्कशन करेंगे और किसको करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशलाइजेशन जिसको ना बहुत इंटरेस्ट हो ना कॉन्स्टिट्यूशन उसको कर लेना चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हाँ। की नॉलेज तो कहीं वेस्ट नहीं जाती आई थिंक अल्टीमेटली हमारे सारे पॉडकास्ट में एक चीज तो हम बोल ही रहे हैं कि जिसको इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट में वो ही करें भाई उस हाँ। सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन का देखो मैं बताती हूँ uh, मैंने ना कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशलाइजेशन किया था अपने एल में uh, और uh, मुझे क्या बेनिफिट मिला वो मैं बताती हूँ तो uh, एक तो ये कि बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो बहुत रिक्वायर्ड होती है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एनी एग्जामिनेशन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन यस तो वो वो ना हर एग्जाम में ही पूछा जाता है आप देखो ना mm -hmm. मतलब अगर मैं ये कहूँ ना कि लॉ uh, नहीं यूपीएससी दे रहे हो तो भी पॉलिटी इज इम्पोर्टेंट पॉलिटी इज इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली

वही है माता वही पिता है ठीक है वही है बंधु वही सखा है तो कॉन्स्टिट्यूशन तो वैसा सब्जेक्ट है तो हैविंग सेट दैट कि

और फिर कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर उसके ऊपर आपका ग्रेस्प है अगर उसकी नॉलेज आपकी स्ट्रांग है ना तो वैसे शो ऑफ करने में भी मजा आता है यार कि इस आर्टिकल में ये दिया है इस आर्टिकल में वो दिया है बिकॉज इट ऑल्सो शोज योर नॉलेज एंड योर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ और अगर कॉन्स्टी आता है तो आप हर सब्जेक्ट की एप्लीकेबिलिटी को समझ सकते हो हाँ, कहीं से क्योंकि hmm. Um, कौन सा सब्जेक्ट में क्या ऐसा है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हाँ. है कौन सी चीज है जो ब्रीच कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है जो फंडामेंटल राइट right के एम्बिट के बाहर नजर आ रहा है हाँ. और फिर आप ना सोसाइटी को लाइफ को हर न्यूज़पेपर के आर्टिकल को उस लेंथ से जब देखना चालू करते हो

तो जब उसको पढ़ना चालू करोगे और जो मजा आएगा ना एक-एक चीज -एक को पढ़ के दैट गिव्स अ डिफरेंट थ्रिल आई मीन आई डोंट नो सबको होता है या नहीं बट मुझे तो मजा मुझे आता है सेम सेम मतलब मैं मैं तो इतनी फॉर्चुनेट थी कि बहुत अच्छे प्रोफेसर से पढ़ा hmm. बहुत अच्छे फैकल्टी से hmm. पढ़ा सो गिविंग अ शाउट आउट टू माय प्रोफेसर महाजन सर hmm. हमें आर जे में महाजन I सर ने पढ़ाया था हाँ, yes. तो महाजन सर अभी सुप्रीम कोर्ट में है रजिस्ट्रार एंड hmm. Uh, मतलब इतना अच्छे से और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया ना कि आई आई वॉज अबाउट टू टेक कॉर्पोरेट लॉ और बिना इंटरेस्ट के है ना कॉर्पोरेट लॉ आता नहीं।, नहीं है मुझे नहीं। <laughs> बिना इंटरेस्ट के मैं वो वहां पे एक बार जाना चाहती थी नहीं। नहीं। बट मैं एन यू की सर पढ़ा रहे हैं तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं था फिर तो वही लेना था तो थैंक गॉड आई चूज कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्योंकि इतना वही जो पर्सपेक्टिव की बात है ना माई परस्पेक्टिव चेंज अबाउट लॉ It does, it does. मतलब हर लेजिस्लेशन वेलफेयर के लिए होना चाहिए ये चीज मैं अब हर लेजिस्लेशन में ढूंढती हूँ हाँ, हाँ. तो दैट दैट इज समथिंग विच आई एम विच आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल फॉर अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसको कॉन्स्टिट्यूशन लेना चाहिए देखो अगर आप हमारे जैसे लॉ के फैन तब तो प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में कर लो स्पेशलाइजेशन हाँ, बहुत मजा स्पेशन एक्सैक्टली प्लस तुम अगर अकेडमिक्स के लिए ले रहे हो ना तो फिर भी अगेन बहुत अच्छी बात है क्योंकि तुम तो फिर कोई भी लॉ पढ़ा सकते हो यू कैन टीच एनी लॉ लॉकेडमिया में कॉन्स्टिट्यूशन का एम्बेट इतना वाइड है ना कि आपको रिसर्च पेपर्स लिखने हैं आपको ब्लॉग्स लिखने कभी खत्म नहीं होने वाले कॉन्स्टिट्यूशन में टॉपिक्स कॉन्स्टिट्यूशन में रोज एक नया डिस्कशन अराइज होता ही रहता है, so you will है उस पर कुछ के बारे में जो right. पूरा हुआ, हुआ, के राइट के बारे में अभी जो rights, रोज एक नई राइट अराइज हो रही है जोबेट में अकेडमिया के परस्पेक्टिव से इट्स अ वेरी गुड फील्ड बहुत वाइड एम्बेट मिल जाएगा बहुत वाइड एंगल मिल जाएगा वर्क अपॉन एक्सैक्टली सेकेंडली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड बाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम आई स्पेसिफिकली मीन अगर तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो hmm. तो कॉन्स्टिट्यूशन तुम ले सकते हो hmm. क्योंकि वो जो तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा ना लॉ उसमें बहुत काम ए, आने वाला है पी में तो जनरल पॉलिटी, पॉलिटी का पूरा एक पेपर है तो पॉलिटी का पेपर आल्सो स्टेट पीएससी हो यूपीएससी हो और जुडिशियल सर्विसेज आल्सो ऑल दो सारे जुडिशियल सर्विसेज में नहीं पूछा जाता बट काफ़ी जुडिशियल सर्विसेज में कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टिल अ गुड पार्ट Uh, पता है मैंने जुडिशरी का मतलब वही की कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशलाइजेशन किया था uh, और एलएलएम नहीं किया था उस समय एंड आई वाज राइटिंग जुडिशरी का पेपर एंड क्वेश्चन आ गया कि आर्टिकल uh, में स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में क्वेश्चन आ गया एंड बस फिर मेरे अंदर का वो जो uh, जागा हाँ कि भाई अब मैं बताऊंगी <laughs> आता है एंड पता है आई रोट टेन पेजेस टेन पेजेस ऑन क्वेश्चन है ना और दस पेज का मैंने एक आंसर लिखा है ठीक है और उस एक आंसर में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले मतलब एट मार्क्स का हाँ। क्वेश्चन होता था तो उसमें मुझे सेवन पॉइंट फाइव मिला है आई डोंट थिंक वो किसी को भी देते हैं एग्जैक्टली ऑल दो उस एक आंसर की वजह से मेरे चार चार नंबर के दो क्वेश्चन छूट गए थे तो पर ये मत करना <laughs> <laughs> But, <laughs> वो नंबर, yes, तो uh, आप लॉ रिसर्च में जा सकते हो अकेडमिया हाँ. में जा सकते हो फिर ये जो आपके पॉलिसी मेकिंग पॉलिसी मेकिंग हाँ वही आई was लुकिंग आउट फॉर दैट टर्म विधि हो गया विद ही हाँ, इस तरीके के जॉब uh, options के लिए आप जा सकते हो फिर यू कैन ऑल्सो ज्वाइन लॉ फर्मस ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन हाँ, कर लिया तो लॉ फर्म्स को छोड़ दिया है ऐसा कुछ नहीं है, भिल्कुल, भिल्कुल। में और में करना है तो आप सीनियर एडवोकेट के साथ ज्वाइन करके रिट पेटिशन वाले cases, you, तो आप राइट वाले में पी आई एल वाले में जा सकते हो एंड अदर सब्जेक्ट ऑल्सो नॉट ओनली दिस अच्छा, also, this, अच्छा एक क्वेश्चन है ठीक है और मुझे पता ही है कि कॉमेंट में ये आने वाला था पर मैं पूछ रही हूँ इसलिए अब नहीं आएगा कि क्या ऐसे बच्चे जिन्होंने कॉर्पोरेट कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशलाइजेशन किया है क्या वो कॉर्पोरेट करियर परस्यू कर सकते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकते कॉर्पोरेट सब लोग अपने कॉलेज के अगर फाइव ईयर लॉ कॉलेज है तो थर्ड या फोर्थ ईयर में एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट तो कंपनीज एक्ट पढ़ाया ही जाता है हाँ. आप उसकी डिटेल्स नहीं पढ़े ठीक है आई अंडरस्टैंड कि आपने शायद आईबीसी अच्छे से नहीं पढ़ा होगा या आपने कुछ स्पेसिफिक रेगुलेश हाँ. ये नहीं ज्यादा डिटेल में पढ़े होंगे बट बेसिक कंपनीज एक्ट का नॉलेज यू हैव राइट अगर आपको लग रहा है कि अल्टीमेटली यू वॉन्ट टू गो इन टू कंपनीज एक्ट उठाओ बुक पढ़ो अच्छे से

ल्टीमेट डिसीजन फॉर स्पेशलाइजेशन शुड बी योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि वो जो मोटा सा थीसिस डेजर्टेशन लिखना है ना वो लिख नहीं पाओगे बिना इंटरेस्ट के सही में पॉसिबल ही नहीं है hmm. right. चलो